अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं विकास। आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आप सबको तो खैर मालूम हो गया होगा कि अभी PCR टेस्ट अभी रिक्वायर्ड नहीं है दुबई के लिए, ठीक है जी। पहले रैपिड टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता था दुबई के लिए, वो भी ख़त्म हो गया है। PCR टेस्ट भी दुबई के लिए ख़त्म हो गया है। आपको जस्ट आप फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए आपको, और आपके पास अगर विजिटर वीज़ा है दुबई का तो रिटर्न टिकट होनी चाहिए, फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ICA का अप्रूवल होती है, वो आपने लेनी है, बस ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी ज़रूरी है उसके लिए। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपको डोजें मुकम्मल नहीं लगी हुई, तो अगर एक डोज लगी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए PCR टेस्ट रिक्वायर्ड होगा यहाँ से जाने के लिए भी, ठीक है जी। तो बाकी फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है उसके लिए। उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी मैं चलें आपके पास आपके साथ शेयर कर लूँ। तो उसके अलावा बाकी ओमान के लिए भी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ यूरोप, अमेरिका, कैनेडा और सऊदीया, इनके लिए PCR टेस्ट रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है, ठीक है। यूरोप हो गया, अमेरिका, कनाडा, सऊदीया, इनके लिए PCR टेस्ट रिक्वायर्ड है। सऊदीया के लिए जिनको दो डोजें मुकम्मल नहीं लगी हुई, सऊदीया के लिए उन्हें पहले मुकीम पे जाके वो डोजें अप्रूव करवानी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदीया से है, फिर वो उनको 5 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा सऊदीया में, वो लाजमी है। 5 दिन क्वारंटाइन के साथ साथ आपको PCR टेस्ट भी ज़रूरी हो गया, सऊदीया के लिए ज़रूरी है, वो सऊदीया के लिए आपको ये ज़रूरी है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं चले आपके साथ शेयर कर लूँ। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। तो जो भी मेरे पास इसके अलावा इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।